मल्टीमेंट ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो शुरू करने से पहले ये वीडियो देखिए। वॉल है जो कि भाई यहूदियों के लिए काफी नॉन रिलीजियस प्लेस है, वहां पे आप कभी भी जा सकते हो, वहां पे कोई एंट्री पॉइंट की कोई दिक्कत नहीं है। सेम सेम भाई, जहां पर ईसा मसीह को यहां पे फांसी दी गई थी, ईसा मसीह को जहां क्रूसीफाइड किया गया था, वहां पर भी आप जा सकते हो। ये देखो भाई, ये है मॉस्क, क्या शानदार दिख रहा भाई एकदम। जो वो टेम्पल माउंट है भाई, उनको लगता है कि वही अलेक्सा मॉस्क है। नहीं, मॉस्क भाई ये है, वो वहां पे बनाया गया था और वहीं से प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वो गए थे हेवन। तो भाई वो हेवन कैसे गए थे, हालांकि मैंने आपको थोड़ा अंदर एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं आपको विस्तार में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई एक नाइट जर्नी थी, हालांकि भाई इसका मेंशन कहीं कुरान में नहीं है, ये हदीस में मेंशन है, लेकिन हदीस में ये बताया गया है कि भाई प्रॉफेट मोहम्मद ने एक नाइट जर्नी की थी। उन्होंने स्टार्ट किया था अपनी नाइट जर्नी मक्का से, लेकिन भाई जब प्रॉफेट मोहम्मद बुराक घोड़े की मदद से मक्का से यहाँ जेरूसलम आए, यहाँ अभी जो आपने वीडियो देखा वो नामोद शुभम करके एक इंटरनेशनल ब्लॉगर है जो इंडिया से ही है, बट पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में जाके वीडियो शूट करी है उन्होंने। बहुत प्यारी प्यारी वीडियो बनाई है, बट सुबह मैं उनकी वीडियोज़ देख रहा था उनके चैनल पे। मैं ऑलमोस्ट उनकी सारी वीडियोज़ देखता हूँ, जो बहुत अच्छी प्यारी वीडियो बनाते हैं। उनकी वीडियो में देख रहा मैंने कि वो इस टाइम फ़िलिस्तीन में है, फ़िलिस्तीन में मस्जिद अलक्सा में वीडियो शूट कर रहे थे। तो मैंने देखा कि उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा प्यारे नबी हमारे, उनकी मतलब फोटो अपलोड कर दी, जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी फोटो विद फोटो बुर्राक के साथ, जो बुर्राक थी उनकी, उसकी फोटो और उनकी फोटो, दोनों की फोटो उन्होंने अपलोड करी। मैं देख के थोड़ा सा शॉक हुआ कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन दोनों ही फोटो को आप प्लीज़ अपनी वीडियो से हटाइए, और ये हमारे नबी, हमारे नबी प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है, क्योंकि उनको किसी ने आज तक नहीं देखा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस फोटो को और उनको हटाइए, और आशा करता हूँ शायद अब तक आपने वो वीडियो उसमें से हटा दी होगी, बट ओरिजिनल जो वीडियो है आपकी जो आपने सुबह अपलोड करी थी वो मैंने डाउनलोड कर ली थी, वो मेरे पास है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने आपको ट्विटर पर ट्वीट भी किया हुआ है और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी मैंने आपको मैसेज किया था, और उस पर आप किसी का रिप्लाई आया कि नहीं हम नहीं हटाएंगे कुछ। तो प्लीज़ भाई इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो को हटा दीजिए और उस वीडियो को मत हटाइए। जो क्लिप है जिसमें आपने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फोटो में दिखाया है उसको क्रॉप कर दीजिए, उसको हटाइए, और वीडियो प्यारी है। आप जैसा आपको वहाँ से हिस्टोरिकली आपको वहाँ से बताया गया, आपने वो वहाँ से बताया, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो उसमें सही नहीं है। फ़िलिस्तीन और इसराइल में जो चल रहा है उसमें हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, बट आप उस वीडियो में से उन हमारे नबी की फ़ोटो हटा दीजिए, और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उस फोटो में उस वीडियो में से वीडियो हटा दीजिए, क्योंकि नबी के शान के खिलाफ है। और आप वैसे बहुत है, आपने ऑल ओवर वर्ल्ड में जाके बहुत प्यारी प्यारी वीडियो बनाई हैं, सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज़ उस रिक्वेस्ट को मानिए और उसको फोटो को हटा दीजिए। और मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि रमज़ान चल रहे थे, रमज़ान में मैं वीडियो नहीं लेके आ पाया, तो अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ और बिल्कुल 110% अपना आप लोगों के कोई ना कोई वीडियोज़ आती रहेंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।